बुकिंग या हॉल टिकट 10वीं और 12वीं के ये 2 साल विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस बार 12वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होने वाली है। इस साल पहली बार 12वीं की परीक्षा के लिए टिकट ऑनलाइन दिए गए हैं, लेकिन इन हॉल टिकटों में बहुत सी गलतियां मिलने की वजह से परीक्षा का वक्त आ चुका है, लेकिन हॉल टिकट के ऊपर की खामियां सुधारने में कॉलेज के शिक्षक लगे हुए हैं। गलतियों को सुधारने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को इस साल पहली बार ऑनलाइन तरीके से हॉल टिकट वितरित किए गए, लेकिन हॉल टिकट पर विद्यार्थी का नाम, विषय, परीक्षा माध्यम, इसमें बहुत सी गलतियां मिली है। इन गलतियों के सुधार के लिए पढ़ाई छोड़ कॉलेजों में इसका सुधार किया जा रहा है। कुछ कॉलेज एक गलती को सुधारने के लिए 50 से 200 रुपए ले रहे हैं। इस वजह से बहुत सा वक्त हॉल टिकट की गलतियां सुधारने में बर्बाद हो रहा है। महाविद्यालय ने सूचना जारी करते हुए शिक्षकों से कहा है कि विद्यार्थियों से हॉल टिकट की खामियां सुधारने के लिए पैसे ना लिए जाए। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।